यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। इंद्री उपमंडल के गांव बयाना के सरकारी स्कूल को प्रदेश सरकार की नई योजना के तहत संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए जाने पर स्कूल के अध्यापकों, बच्चों व गाँव वासियों में खुशी का माहौल है। इसी को लेकर सरकारी स्कूल के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में शिक्षकों व गाँव वासियों ने भाग लिया। इस मौके पर बयाना गांव के ही युवा समाज सेवी व पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने नीचे सचिव रहे अंकित काम्बोज को संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए जाने में अहम भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया। स्कूल में आधुनिक लैब, खेल का मैदान, कोच, स्विमिंग पूल इत्यादि की सुविधा मिलेगी, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार ने बताया कि काफी प्रयासों के बाद हमारे स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल का दर्जा हासिल हुआ है। ऐसा स्कूल है कि सभी शिक्षकों व बच्चों की मेहनत से ही सफल हो पाया है। अब CBS के नियमों के तहत स्कूल में आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने इस कार्य को पूरा करवाने में समाज सेवी अंकित काम्बोज की भूमिका की सराहना की और कहा कि उनके पूर्ण सहयोग से ही यह कार्य संभव हो पाया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नई योजना के तहत ऐसे स्कूलों में मेडिकल निश्चय में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सीधे ही MBBS में दाखिला मिल सकेगा। समाज सेवा अंकित काम्बोजी ने कहा कि शिक्षा के बिना मानव जीवन अधूरा है। आज का जो कार्यक्रम था, विशेष तौर पे बैना गांव में जो मॉडल संस्कृति बना है, इसके पीछे गांव वालों की मेहनत और ख़ास तौर से जो अंकित काम्बोज जी हैं उनके प्रयास थे, जिससे आज ये इस गांव को एक बहुत सुंदर स्कूल, मॉडल संस्कृति स्कूल मिला है। इसके कारण आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ पर शिक्षा का बड़ा प्रसार होगा, बच्चों को अवसर मिलेगा कि वो आगे जाकर कम्पीट कर सकें, और जो अंग्रेजी मीडियम के पढ़ने वाले प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन कर सकें और मेडिकल में, इंजीनियरिंग में वहां दाखिला ले सकें। तो इसके लिए हम गांव ने, विद्यालय ने अंकित जी का बड़ा धन्यवाद किया और आगे भी वो इस कार्य में हमारे सहयोग करेंगे, हमने ऐसा उनसे आश्वासन उन्होंने दिया हमें। हम निरंतर इस विद्यालय को आगे उन्नति की ओर ले जाने में सक्षम होंगे, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। तो किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी इसमें? इसमें मूल रूप से तो ये जो विद्यालय है ये CBSE से एफिलिएशन होगा और CBSE के जो स्कूल्स होते हैं, जो भी उसके नॉर्म्स हैं, जिस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए, जिस तरह का वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे ही सुविधाएं होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह की सुविधाएं हरियाणा सरकार यहाँ देगी। और जो हमारे डायरेक्टर हैं जय गणेशन जी और एकेडमिक सेल के डायरेक्टर हैं नंद किशोर वर्मा जी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इसके लिए जो भी फंड्स वगैरह चाहिए, जिस तरह की भी उनको सहायता चाहिए, वो सब उपलब्ध करवाएंगे। तो अभी हमने CBSE से एफिलिएशन के लिए अपने NOC चारों ले लिए हैं, हम CBSE एफिलिएशन के लिए अपना कार्यरत हैं और आने वाले 2-3 महीने में इस विद्यालय में CBSE के एफिलिएशन हो जाएगी। तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के पूरी शिक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम से होगी और उसमें जैसी भी फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूलों को मिलती है बिल्कुल उसी तरह से फैसिलिटीज़ मिलेगी, बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। अच्छा, जो बच्चे पहले हैं इस स्कूल में हिंदी मीडियम के हैं, वो बच्चे को शिक्षा किस प्रकार से दी जाएगी या दूसरे स्कूलों में उनको भेजा जाएगा? अभी तक तो ये है कि इंग्लिश मीडियम और दोनों ही रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई समाधान निकलता है तो एक बिल्डिंग हम इंग्लिश मीडियम की रख लेंगे और एक बिल्डिंग हिंदी मीडियम की रख लेंगे, जिसके लिए गाँव वालों ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने 6 एकड़ ज़मीन देने का प्रस्ताव दिया है। तो वो दोनों ही हमारी अभी ये संभावना है कि हम हिंदी मीडियम को भी चलाएंगे साथ। तो स्टाफ भी कुछ चेंज हो सकता है? जी सर, इसके लिए स्टाफ जो है इंग्लिश मीडियम के लिए बाकायदा उनसे चॉइस मांगी जाएगी, उनकी स्क्रीनिंग होगी, जो इच्छुक होंगे और जो एलिजिबल होंगे
वो अंग्रेजी माध्यम में रहेंगे, बाकी विद्यालय जो स्टाफ है वो हिंदी मीडियम में जा सकता है। बाहर से स्टाफ भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो ये पूरे जिले लेवल पे स्क्रीनिंग होगी, जो भी टीचर काबिल होंगे योग्य होंगे उसकी स्क्रीनिंग को पास करेंगे वो अंग्रेजी मीडियम में आ सकते हैं, बेशक वो चाहे किसी और जिले से हों या किसी और ब्लॉक से हों वो आ सकते हैं। तो ड्रेस कोड भी रखा जाएगा कैसे? जी सर, ड्रेस है बच्चों की, ड्रेस बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक CBSE स्कूल की आप ड्रेस देखते हैं, बढ़िया ड्रेस है, टाई है, बेल्ट है, आपका ID कार्ड है, पूरी तरह से एक बिल्कुल मॉडर्न बच्चा। तो अध्यापकों का भी ड्रेस कोड होगा कैसे? अभी इस तरह का तो कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो, यदि ऐसा है तो, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि अध्यापक भी बिल्कुल वेल अप टू डेट रहें, जिससे लगे कि वो एक मॉडर्न शिक्षक है और एक योग्य शिक्षक है। आज का कार्यक्रम हमारे स्कूल में जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल की हमें सौगात मिली है उसके विषय में रखा गया था, जो भी गांव वालों ने इसमें योगदान दिया है सभी का धन्यवाद करने के लिए प्रिंसिपल साहब ने ये प्रोग्राम रखा, जो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे गांव के लोग भी जागरूक होंगे कि ये स्कूल किस किस स्तर पर क्या क्या कार्य यहाँ पर होंगे, जो जिससे एडमिशन भी ज़्यादा ज़्यादा हो सके, तो सभी लोगों को जागरूक भी किया गया है। और मेनली जो यहाँ पर हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग आए उन सभी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। आगे जो कुछ डिमांडें रखी गई हैं जैसे खेल के बारे में और हमारी जो PHC है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके लिए हम आगे कार्य करेंगे। तो कितना फ़ायदा होगा जी ये मॉडल संस्कृति स्कूल बना? जी मॉडल संस्कृति स्कूल का बनने से काफ़ी फ़ायदा होगा, ये आसपास के गांव के लोगों को भी बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि इसमें है कि 9th क्लास से NEET और JEE की कोचिंग की फैसिलिटी है जो बच्चों को फ्री प्रोवाइड होगी, बाहर अगर इसकी कॉस्ट की बात करें बहुत ज़्यादा है, और अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर तो ये फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती है, तो ये स्कूल के साथ साथ मिलेगी। और जैसा कि अभी स्कूल के स्टाफ ने हमें बताया कि जो भी इसमें मेडिकल में टॉपर होगा उसका डायरेक्ट MBBS में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हर बार हमारे स्कूल से एक हमें MBBS डॉक्टर मिलेगा। यश बाबू न्यूज़, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज़।